नमस्कार व्यूअर्स, द फेथ ऑफ पब्लिक जी न्यूज यानी कि ग्वालियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज की मुख्य खबरें। ग्वालियर में 18 दिसंबर से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जिला प्रशासन, रेड क्रॉस सोसाइटी और नगर के संयुक्त प्रयास से दिव्यांग मित्र अभियान चलाया जा रहा है। इसमें दिव्यांगों को उनकी जरूरत के मुताबिक कृत्रिम अंग, कान की सुनने की मशीन, बैसाखी, व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, नेत्रहीन दिव्यांगों के लिए ब्रेल किट, ब्रेल केन, स्मार्ट केन आदि सामान देने के लिए उनका परीक्षण कर पंजीयन किया जा रहा है और उन्हें यह उपकरण संभवतः जनवरी 2018 के दूसरे सप्ताह में वितरित किए जाएंगे। 20 दिसंबर को फूलबाग मैदान बिरला नगर और बेलजा में आयोजित शिविर में दिव्यांगों का परीक्षण कर उन्हें उपकरण बांटने के लिए उनका पंजीयन किया गया। इसके अलावा शिविर में नए आधार बनाए गए, आधार रीडिंग किए गए, बेरोजगार युवक युवतियों को विभिन्न कंपनियों में जॉब दिलवाने, स्किल डेवलपमेंट के लिए आवेदन भी जमा किए गए। इसके साथ ही वृद्धावस्था में विधवा और दिव्यांग पेंशन के आवेदन लेने जैसे कई कार्य शिविर में निपटाए गए। शिविर में स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारियों ने बड़ा ही सेवा भाव से दिव्यांगों की समस्याओं को सुना और निपटाया। शिविर का निरीक्षण मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री व वर्तमान में ग्वालियर दक्षिण के विधायक श्री नारायण सिंह कुशवा के द्वारा किया गया। ठीक है, अट्ठावन लोगों के पंजीयन हो चुके हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं उसमें लंबी क्यू है और लगभग 25-30 लोग अभी बैठे हुए हैं और लोग आ भी रहे हैं। आपने शहर में कितनी जगह कैंप चल रहे हैं अभी? आज 3 जगह चल रहे हैं। मैं हाल की हाल नहीं दे रहे, अभी तो मेजरमेंट लेंगे तो उसी हिसाब से इंस्ट्रूमेंट बनेंगे और वो आगे जब भी डेट मतलब होगी निर्धारित तो बांटे जाएंगे, संभवतः 11 फरवरी को बांटे जाएंगे। तो सर ये कैंप में और कौन कौन से डिपार्टमेंट ने पार्टिसिपेट? इसमें तो डॉक्टर्स लोग बैठे हुए हैं जो परीक्षण कर रहे हैं और जो लोक कल्याण जन कल्याण कल्याणकारी योजना है उसके अधिकारी बैठे हुए हैं, तो वो भी जैसे किसी को पेंशन वगैरह स्वीकृत करानी या नहीं मिल रही है तो वो भी निराकरण किया जा रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, गुड डे।